कृष्ण कृष्ण प्रतिज्ञा लिए जो अनंत रूप में न अन्न और किसे दवा देने को नहीं एकांत रूप में केवल मेरा चरण को जो शरण लिए हैं उनके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले क्या करते हो? बोले घर में जो चीज नहीं मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ और जो चीज है मैं स्वयं एक दरबार बन करके उनको रखवाली करता हूँ। इसने प्रतिज्ञा, ये महापुरुष ने प्रतिज्ञा ली है, इन्होंने प्रतिज्ञा ली जो मेरे एकांत में भजन करेंगे उनके लिए मैं ये करता हूँ। लेकिन आज वृंदावन में ये संत लोग बैठे भजन कर रहे हैं, वो आंधी तूफान आ गई और कोई घर से बाहर नहीं निकल पाए माधुर के लिए, अभी उनको खाना को निकला दिया, इन्होंने तो प्रतिज्ञा करके कुंज कुंज बैठ गए। इसलिए मैं स्वयं उनके लिए दाल चावल रोटी सब्जी बना करके और उनको घर घर में गई हूँ और सब भक्तों को मैंने सब खिला पिला करके अभी मैं आ रही हूँ। इतना बोलते ही कृष्ण का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया, कृष्ण का जबकि गल गया। इतने में राधा जी चरण में गिर पड़े, बोले हे राधे इसलिए जगत जननी, जगत का माँ कौन है? श्री राधा रानी जगत की माँ है। इसलिए बोले हे राधे प्रतिज्ञा तो मैंने की है लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को अगर कोई रक्षा करने वाले तो कौन है? तुम को रक्षा करना पड़ेगा। इसलिए राधा रानी इतने दयालु राधा रानी, जिसको ऊपर में राधा जी की कृपा हो वही व्यक्ति ब्रजवास कर सकते हैं, वही व्यक्ति नवद्वीप धाम में आ सकते हैं। क्योंकि जो नवद्वीप जो धाम है ये नवद्वीप धाम नहीं, ये राधा रानी अपना हृदय को हृदय से ही ये नॉट उन्होंने कुंज बनाया है, ये नवद्वीप धाम नहीं, ये नव कुंज है श्री राधा रानी के हृदय से निकली। राधा रानी के हृदय जैसे अत्यंत कोमल है उसी तरह ये धाम की अत्यंत अत्यंत दयालु श्री नवद्वीप धाम है। जिसे जो व्यक्ति श्री नवद्वीप धाम में आते हैं गुरु वैष्णव के अनुगत में परिक्रमा करे उनको आसानी से ही बोले गौरव प्रेम रे महाप्रभु रूपी प्रेम रूपी समुद्र में जो गोता लगाते हैं अपनी आप उनको राधा कृष्ण का प्रेम में अपनी आप निकलते हुए दिखता है। इसलिए गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति ये निर्दया घाट में गुरु जी कहते थे निर्दया घाट में गोता लगाए लेकिन निकलेगा कहां पर कैसे अपने आप, मतलब राधा कृष्ण का प्रेम में वो अपने आप पर निकल जाएगा वहां पर। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अस्त्र पार्षदम, कभी युग में उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किया है। आपने कभी सुना राधा रानी किसको मारते थे? मारे कौन है? राम ही मारे और कन्या मारे। लेकिन कभी सीता किसको मारी थी और श्री राधा रानी किसको मारे नहीं? क्यों? ये अत्यंत दयालु है। इसलिए कभी युग में इसलिए उन्होंने अस्त्र किसको उन्होंने धारण नहीं किया, कारण है और राधा जी की भाव और अंग कांति ले करके आए और राधा रानी जैसे दयालु, इसलिए महाप्रभु बड़े दयालु। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु किसी भगवान को आपने देखा कोई भीख मांगते हुए? कृष्ण राम ने कभी भीख मांगे कभी? कृष्ण कभी भीख मांगे कभी? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने दरवाजा दरवाजा में श्री चैतन्य महाप्रभु जा करके घर घर में जा करके नित्यानंद प्रभु घर घर में जा करके अपना छोली फैला करके कहते मुझे भिक्षा दो, क्या सोने चांदी का दाल चावल? बोल नहीं, किस चीज की? किस चीज की? हाँ भगवत प्रेम की, भगवत नाम की। नित्यानंद प्रभु तो यहाँ कहते हैं हमारे पिनिया लह बोलो गौर हरी। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, एक बार श्री सचिनंदन गौर हरि के नाम ले लो, गौरव कहाँ जा रहे हो? यहाँ तक कितने कर दिया ना, बस श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए जो एक बार श्री महाप्रभु का नाम लेते हैं श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं हमारे पिया लो मैं तुम्हारे पास में जीत जाऊंगा। एक बार अगर तुम मेरे महाप्रभु चैतन्य का एक बार अगर तुमने नाम ग्रहण किया तो। इसलिए कहते कलि युग में इसलिए उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किया। अब दूसरे अवतार में
जैसे रामा अवतार कृष्णा अवतार में इनका एक नाम है अवतारी गतिदायक, मतलब है अगर इनके हाथ में अगर कोई मरे ना, मरने पर भी ऊपर से क्या दिखता है, इनको उन्होंने मार दिया ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर में देखे तो पता नहीं उनको कहाँ कहाँ उन्होंने मुक्ति प्रदान की और कितने कितने उच्च पद उनको दे दिया उन्होंने। इसलिए इसे इनका नाम बताया हतारी गति दायक, इनको हाथों में मरने पर इनके हाथों में मरने पर जी को गति मिला, लेकिन उसी जीवन में नहीं, उसी जीवन में नहीं, उनको शरीर बदला करके दूसरे जीवन में इनको गति मिला, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उसी जीवन में ही उन्होंने दिखा दिया। जगाई माधाई जैसे पापी जब कितने पापी ये जगाई माधाई किए, जब जमदूत जाकर के चित्रगुप्त को बोलते थे ना, चित्रगुप्त चंडा लेकर मारने दौड़ते थे, तो क्या बोलते हो तो व्यक्ति कितने पाप लोग कर सकते हैं, इनका पाप को लिखते 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 स्टोर है ना, स्टोर भर गया था पूरा और ज्यादा नहीं हो रहा था, इनको पाप को लिख करके कहा रखे। इसलिए जब श्री चित्रगुप्त को सोच रहा था हे भगवान ये दोनों कितने साल तक ये नरक के कीड़े बन करके पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, लेकिन जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब इनको कृपा की, इनको आशीर्वाद की ना और सारे पापों से, इसलिए महाप्रभु ने कहा आज जगी नाथ करी सब दायव। तो ये मतलब क्या, तो देखो अभी तक तो जो किया किया उसको छोड़ दो, अगर इसको बाद में अगर तुमने और कोई पाप नहीं किए तो तुम्हारी जितने सारे पाप को मैं ग्रहण कर लेता हूँ, सारे पाप को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। इसलिए महाप्रभु ने उसको सारे पाप को महाप्रभु ग्रहण कर लिया और उसी जीवन में ही उन्होंने एक एक लाख के हरिनाम उन्होंने ग्रहण की और जो घाट यहाँ पर जो घाट है ना पास में यहीं पर सुंदर घाट बनाए, लोग आके रोज स्नान करे, जो आते थे चरण धोली लेते थे और बैठ बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब महाप्रभु ने दोनों को उधार की ना, जब नरक में जितने सबके सब जमदूत थे ना, चित्रगुप्त और जब महाराज हाथ उठा करके नाचना शुरू कर दिया, वहां कीर्तन करना शुरू कर दिया, महाप्रभु की महिमा को गाने लग गए। बोले देखो हम सोच रहे थे इतने जो उन्होंने पाप किया कैसे कौन सा नरक में ये कीड़े भर करके कितना दुख कट, लेकिन महाप्रभु को उनको उधार कर दिया, उनको जीवन मुक्त कर दिया, इसलिए सबके सब जब पूरी में हाथ उठा करके बोले निताई गौरंग जय निताई गौरंग 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 जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण Hari Bol Hari Bol
देखो इन्होंने गुरु जी की बड़ी सेवा की। हम इन लोगों के लिए ना
हमारे जो गुरुदेव है ना, देखा हमारे गुरुदेव साधारण नहीं थे। कौन है गुरुदेव? कृष्ण लीला में कौन है? रमन मंदिर। गुरुदेव साधारण नहीं थे, हमारे गुरुदेव जो है ना एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग थे। जैसे लोहे को जैसे पारस पत्थर में छुला दे क्या बन जाता, सोना बन जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने एक एक सोने एक रत्न बना कर हमारे गुरुदेव गए, एक रत्न बना कर गए। हम तो दूसरे दूसरे गौरी हर गौरी मठ में घूमता रहता हूँ। एक मंदिर में एक भक्ता मिलना थोड़ी कठिन हो जाता, एक भक्ता। लेकिन हमारे गुरु जी की इतने आशीर्वाद इतने कृपा है, इनके तो सन्यासी एक से एक बढ़कर के आप जानते हो। जब हमारे सन्यासी लोग ऐसे ना बोलते हैं, एक से एक सन्यासी। जब इनकी बात छोड़ दो, जो लोग गृहस्थ में रहते हुए भी भजन करते हैं, इनकी हरिकथा तो सुन सुन करके ब्रह्मा शंकर हाँ ये लोग भी इंद्र चमन के तो जाते होंगे। देखो ये लोग इतने सुंदर सुंदर हरिकथा बोलते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे गृहस्थ इनकी बात छोड़ दो, कुछ तो माताएं हैं गुरुदेव की, कुछ कुछ माताएं हैं, कुछ तो छोटी छोटी लड़कियां हैं छोटी छोटी, यार गुरु जी के आशीर्वाद से कितने सुंदर सुंदर कथा बोलते हैं। दूसरे गोभी मटर किसी सन्यास के लिए सुविधा कर लिए कि हम सब जानते जाते हैं उनका काम। इसलिए हमारे इसके अंदर में हमारे की एक विभूति है। आज से संजय प्रभु ने गुरु जी की बड़ी सेवा की। गुरु जी की मंदिर का जो पत्रिका है उनके सारे पत्रिका को छपवाना काम, सारे गोस्वामी का ग्रंथ पढ़ना भी सारे करते हैं। गुरु वैष्णव का ये तन मन और ध्यान से अब लोग कितना पता होगा, मैं जितना जानता हूँ हर तरह से ये सेवा करता है। और सेवा का फल ये है हृदय में सब कुछ स्फूर्त होता है जब हम गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। देखो अभी आपको कथा सुनाएंगे, इनका पानी ही इनका अपना परिचय देगा, आप स्मरण करके आप कृत हो जाएंगे। श्री संजय प्रभु जी आपको कथा सुनाएंगे, ठीक है।